तो नमस्कार दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपो ग्लाइसमिकेशन, जो कि टी फ्रॉम सेकेंड ईयर का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इसमें हम बात करेंगे हाइपो ग्लाइसमिकेशन क्या होते हैं और सिर्फ उनका क्लासिफिकेशन। तो डायबिटिक मेलाइटिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाई डिफिशेंसी सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन। ये जो हमारी बीमारी होती है डायबिटिक, ये इंसुलिन की डिफिशेंसी से होती है, जब इंसुलिन कमी हो जाती है फ्रॉम द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन द पैनक्रियाज। मतलब जब कोई दिक्कत हो जाती है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में, तो उनसे क्या होता है कि इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन की जब कमी हो जाती है दोस्तों, तो उस कंडीशन को कहा जाता है डायबिटिक मेलाइटिस। इन दिस डिजीज कार्बोहाइड्रेट इज नॉट प्रॉपरली मेटाबोलाइज। इस बीमारी में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है। देर इज एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, हाइपरग्लाइसीमिया एंड ग्लूकोज ऑल्सो अपीयर इन द यूरिन। मतलब देर इज एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है जिसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, एंड ग्लूकोज ऑल्सो अपीयर इन द यूरिन। और ये यूरिन में भी हमको देखने को मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन और ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट जोर्स द ब्लड शुगर बाई प्रमोटिंग इट्स मेटाबॉलिज्म एंड रेमेडीज द सिचुएशन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन और ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट जोवर्स द ब्लड शुगर बाई प्रमोटिंग इट्स मेटाबॉल। मतलब जब हम इंसुलिन अगर बाहर से दे रहे हैं तो वो क्या करेगी, वो इंसुलिन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगी, जिससे वो कंडीशन सही रहेगी और वो कभी ठीक नहीं होती दोस्तों, क्योंकि ये जो कंडीशन होती है ये लाइफ टाइम के लिए सही नहीं होती है। क्लासिफिकेशन क्या है इसका देख लेंगे हम इसमें। इंसुलिन एंड इंसुलिन प्रिपरेशंस, पहला है इंसुलिन एंड इंसुलिन के प्रिपरेशन आएंगे। इंसुलिन मेन होती है क्योंकि इंसुलिन की कमी है तो इंसुलिन देंगे, ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट सेकेंड है। उसके बाद में सल्फोनिल यूरियाज में क्या आता है, क्लोरप्रोपामाइड, टोलब्यूटामाइड और ग्लिबन क्लामाइड। बाइगोइनाइड्स में क्या आता है, फेनफॉर्मिन और मेटफॉर्मिन। तो ये वीडियो दोस्तों हो गया। अब अगला हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो भी ये क्लासिफिकेशन है सारा बताया आप लोगों को, ये ड्रग जो बताई हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।